हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, एज यू कैन सी कि एक बार फिर हम खड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि द्वारका एक्सप्रेसवे है जो लेफ्ट हैंड साइड में दिल्ली चला जाता है, राइट हैंड साइड पे आपका जो है मानेसर चला जाता है। एंड उसके जस्ट पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इंडिया बुल्स एनिग्मा है आपका सेक्टर 110 में। आज हम इस लोकेशन पे दोबारा इसलिए आए हैं बिकॉज पहली बार गुड़गांव में नियर टू दिल्ली वाले पैच के अंदर में कोई लो राइज फ्लोर्स आ रहे हैं। यहाँ पे इस वाले पैच के अंदर सेक्टर 102 से लेकर के सेक्टर 114-15 तक आपको हाई राइज टाउनशिप्स बहुत सारी आपने देखी होंगी, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बहुत सारे आपने देखे होंगे, बट ये पहली बार है कि कोई डेवलपर यहाँ पे लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स लेके आ रहे हैं, जिसकी यहाँ पे काफ़ी डिमांड थी। जिन लोगों को लो राइज फ्लोर्स चाहिए उनको यहाँ से 37D से आगे ही जाना पड़ता था, नियर टू दिल्ली में कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। बट फर्स्ट टाइम MRG डेवलपर्स यहाँ पे लेके आ रहे सेक्टर 106 के अंदर में लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर दीनदयाल जन आवास योजना के अंदर में। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो है वो आपका 4 मंजिल का जो FAR था वो आपका 3 मंजिला कर दिया, 4 मंजिल का सेंक्शन बंद कर दिया है। प्लस अगर हम बात करते हैं DDGY फर्दर जो है वो गवर्नमेंट ने बैन कर दी है, वो अलाउड नहीं है। तो दैट्स वाई जो एग्जिस्टिंग जिन प्रोजेक्ट्स को लाइसेंस मिला हुआ है, अब सिर्फ वही प्रोजेक्ट है जो कि पाइपलाइन के अंदर में है, उन्हीं में कुछ आएगा। सो ये एक प्रोजेक्ट है जो कि नियर टू दिल्ली है, जहाँ पे इसकी डिमांड जो है काफ़ी ज़्यादा है। हम यहाँ से आपकी जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे आज और पहुँचेंगे अपनी लोकेशन पे। बहरहाल मैं आपको इस लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ कि यहाँ पे क्या है इस लोकेशन पे, सो दैट आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि बेसिकली सेक्टर 106 के सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, डेली नेसेसिटी या फिर बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स होती है पर्सन की उसके हिसाब से कैसे हैं। यहाँ आप देखेंगे मेरे बिल्कुल राइट हैंड साइड में कॉन्शेंट 1 जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला ऑपरेशनल मॉल है। एंड एज यू कैन सी इसके अंदर में KFC, डोमिनोस, बीकानेर वाला, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी ऑपरेशनल है। और रोड के दूसरी साइड में जो सेक्टर 106 पड़ता है, यहाँ पे आपका जो है एलान का हाई राइज प्रोजेक्ट है, एलान प्रेजिडेंशियल, प्लस उसके पीछे जो ग्रे बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है वो पारस ड्यूस की बिल्डिंग है। लेफ्ट हैंड साइड में अगर देखोगे तो आप नियो स्क्वायर और आपका इंडिया बुल्स का ये जो कॉर्पोरेट टावर है, ये आपके अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स है जो आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ऑपरेशन होंगे। एक और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है ये आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में ऑपरेशन हो जाएगा एज पर गवर्नमेंट प्रेडिक्शन। और आने वाले 2-3 महीने के अंदर में जैसे ही ऑपरेशनल होगा तो यहाँ आपको एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टीज के अंदर में काफ़ी अच्छा रेट का कैपिटल अप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, शूटअप देखने को मिलेगा। पैर में अगर हम एक्सपेक्टेशन की बात करें तो 1500 से 2000 रुपये का आपको जो है डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो दिस इज द टाइम कि जो भी पर्सन इन्वेस्टमेंट सर्च कर रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे वो देख सकते हैं, जिससे कि स्मॉल टाइम फ्रेम में उनको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन मिलने की एक्सपेक्टेशंस है। लेटर ऑन जैसे ही ये ऑपरेशनल हो जाएगा तो ऑब्वियसली रेट काफ़ी बढ़ जाएंगे, तो चीज़ें जो हैं वो आउट ऑफ बजट हो जाएंगी। अब हम अपनी वीडियो की शुरुआत करेंगे यहाँ से और पहुँचेंगे अपनी एग्जैक्ट साइट के ऊपर और जानेंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर में क्या क्या बेनिफिट्स हैं एज एन इन्वेस्टर एंड एज एंड यूजर पर्सन की। तो चलिए चलते हैं।
फ्रेंड्स एज यू कैन सी कि हम पहुंच गए हैं अपनी साइट सेक्टर 106 एमआरजी वॉल की साइट पे, एंड यही है वो लोकेशन जहां पे इनके लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स आ रहे हैं। अगर हम बिल्डर बैकग्राउंड की बात करें तो एमआरजी एज एन डेवलपर लगभग पिछले 8 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं, और इससे पहले उन्होंने काफी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग्स जो है वो बनाए हैं, चाहे वो न्यू गुड़गांव हो, चाहे वो आपका नियर टू दिल्ली वाला पैच हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, इन सब के अंदर इनके काफी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के प्रोजेक्ट हैं। बट दिस इज द फर्स्ट टाइम कि ये दीनदयाल के अंदर में या लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के अंदर में इनका कोई प्रोजेक्ट आ रहा है। नियर टू दिल्ली अगर हम बात करते हैं तो इनका ये पहला ही प्रोजेक्ट है जो कि लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स के अंदर में आता है। अगर इसके अलावा भी हम बात करें अपार्ट फ्रॉम दिस डेवलपर, आपको अगर लो राइज के ऑप्शन चाहिए तो 37D सेक्टर से आप न्यू गुड़गांव के साइड में जाएंगे तो मल्टीपल ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपको नियर टू दिल्ली कोई ऑप्शन चाहिए तो दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन जो आपको मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे लो राइज के ऑप्शन अभी एट प्रेजेंट में कोई भी डेवलपर नहीं दे रहा है। सो फ्रेंड्स अगर लोकेशन एंड सराउंडिंग की बात की जाए तो ये जो प्रोजेक्ट है वो गुड़गांव के सेक्टर 106 में लोकेटेड है, जो कि आपका 75 मीटर रोड पे पड़ता है। ये जो पर्टिकुलर सेक्टर है ये दोनों ही साइड पे कनेक्ट करता है। आप अगर द्वारका एक्सप्रेसवे से आते हैं तो भी, और 75 मीटर आते तो ये मिड में ये सेक्टर पड़ता है, दोनों ही रोड को कनेक्ट करता है। अगर हम बात करें यहाँ से दिल्ली मोटर अप्रॉक्सीमेटली 500 मीटर्स पे है। अगर आप यहाँ से 300 मीटर आगे जाएंगे तो भी आपका जो है द्वारका एक्सप्रेसवे कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी है विद 60 मीटर रोड, और अगर 100 मीटर आगे चले जाएंगे तो भी आपकी जो है वो 60 मीटर रोड है जो डायरेक्टली आपकी द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करती है। आने वाले 2-3 महीने के अंदर में आपका जो है एक्सप्रेसवे ऑपरेशन होने के बाद में यहाँ की कनेक्टिविटी भी आपकी और स्मूथ हो जाएगी। अब अगर हम बात करें इस लोकेशन की सराउंडिंग के बारे में तो एज यू कैन सी कि मेरे यहाँ पे सराउंडिंग के अंदर बहुत सारी लग्जरी टाउनशिप्स हैं जो कि ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जिसमें फैमिलीज रहती है। जैसे कि बिल्कुल इसके साथ में अगर आप देखोगे तो आपका अबाउट टू ऑपरेशनल जो है वो गोदरेज का प्रोजेक्ट है, गोदरेज मरेडियन के नाम से। इसके बिल्कुल जस्ट बैक साइड पे आपका जो है वो प्लाजा 106 पड़ता है जो कि ऑपरेशनल कमर्शियल है। अगर रोड के अपोजिट साइड में देखेंगे तो एक्सपीरियन का हार्टसोंग प्रोजेक्ट है, जिसमें प्लॉटिंग एंड आपका हाई एंड लग्जरी फ्लैट्स हैं जिसके अंदर में ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी है। राइट एंड साइड में आपका जो है शोभा इंटरनेशनल सिटी है जिसके विला एंड फ्लैट्स हैं यहाँ पे, इसके अंदर भी ऑक्यूपेंसी आ चुकी है। तो सराउंडिंग में सभी जगह आपको हाई एंड प्रॉपर्टीज दिखेंगी जहाँ मिनिमम टिकट वैल्यू जो है करीब करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपए की मिनिमम स्टार्टिंग रेंज है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, लाइक वे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं आपके एंड आपके मॉल्स वगैरह हैं, तो यहाँ स्कूल्स आपके जो है काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। आरपीएस स्कूल है आपका, डीपीएस स्कूल है जो थोड़ा ही आगे पड़ता है लगभग 1 किलोमीटर डिस्टेंस में। उसके बाद में रॉयल ओक इंटरनेशनल स्कूल है, ज्ञानंदा स्कूल है आपका, शिक्षण स्कूल बिल्कुल 500 मीटर के डिस्टेंस में आपका। अगर हम मॉल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉन्शन वन जो मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाया वो फर्स्ट ऑपरेशनल मॉल है यहाँ पे आपका। प्लाजा 106 बिल्कुल बैक साइड में है इसके, और भी 2-3 मॉल हैं जो कि अबाउट टू ऑपरेशंस के अंदर में। और अगर आप हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल यहाँ पे है आपका, सिग्नेचर हॉस्पिटल यहाँ पे आपका मिलता है आपको, प्लस एक आपका 300 बेड्स का नया हॉस्पिटल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल शीतला माता हॉस्पिटल के नाम से, जो इस लोकेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आपका इसी रोड के ऊपर। तो लोकेशन एंड कनेक्टिविटी वाइज ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको इन फ्यूचर यहाँ पे बसने के लिए सोचना पड़ेगा। जो भी बेसिक नेसेसिटी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो सारी आज की डेट में यहाँ पे ऑपरेशनल है। प्रोजेक्ट का जो मेन एंट्री एग्जिट है वो 75 मीटर रोड से ही होने वाला है, जो सर्विस रोड ऐड होने के बाद में अप्रॉक्सीमेटली 90 मीटर का रोड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एग्जिट एंट्री की और कनेक्टिविटी की एज सच कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। सो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन भी प्रेस कर लें सो दैट मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे
गुड़गांव की रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही प्रॉपर्टी से रिलेटेड वीडियो टाइम टू टाइम अपडेट करता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेकर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्ट के लैंड पार्सल के बारे में। ये आपका एक 8 एकड़ का लैंड पार्सल है जहाँ पे ये कंपनी का जो है वो टोटली आपका लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर वाली ही कम्युनिटी रहेंगी, जिसके अंदर में सभी के सभी जो अपार्टमेंट्स है वो वही आपका S+4 वाली कम्युनिटी आपकी बनेगी इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर 8 एकड़ की बात करें उसके अंदर में टोटल नंबर ऑफ प्लॉट जो है वो 113 प्लॉट्स हैं। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स की अगर आप बात करोगे तो लगभग 450 अपार्टमेंट कंपनी यहाँ पे आपको बना के देगी। अगर आप साइजेस की बात करते हैं तो लगभग आपके जो है 1400, 1500 और 1600 ये आपके स्क्वायर फिट साइजेस होने वाले हैं। 3 BHK 2 वॉशरूम से लेकर के 3 BHK 3 वॉशरूम तक का ये साइज रहेगा। प्लस कंपनी आपको जो है 3 BHK के अलावा, फ्लोर के अलावा भी यहाँ पे बेसमेंट एंड टेरेस दोनों ही जगह आपको पार्टीशंस देगी। हर प्लॉट के अंदर में बेसमेंट के अंदर भी 4 पार्टीशंस होंगे और फ्लोर टेरेस पे भी आपके 4 पार्टीशन बनाएंगे जो आपको दोनों जगह पे सेपरेटली दिए जाएंगे। लॉकेबल स्पेस आपका रहेगा। उसके अलावा कंपनी जो है वो आपको इसके अंदर में एक 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बना के देगी। प्लस साइड बाय साइड यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली होगी कि जैसे मैंने आपको बताया ये लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर की गेटेड कम्युनिटी है, सारे लो राइज ही यहाँ पे रहेंगे। कंपनी आपको यहाँ पे इन लो राइज फ्लोर्स के अंदर भी ये लोडेड अपार्टमेंट दे रही है, जिसके अंदर आपको कंपनी जो है वो मॉड्यूलर किचन विथ चिमनी एंड होब, आपका VRV एयर कंडीशनिंग, इटालियन मार्बल, देन उसके बाद में आपका कंप्लीट वॉशरूम फिटिंग, देन उसके बाद में आपका जो है ये सब चीज़ें कंपनी आपको यहाँ पे देगी। प्लस अगर हम प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 13,500 रुपये स्क्वायर फिट का प्राइस रहेगा, जिसमें इनिशियली अगर आप बुकिंग करते हैं अभी तो कंपनी ने कुछ इनॉग्रल डिस्काउंट्स वगैरह भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए हुए हैं। अगर हम बात करें इसके अंदर में टोटल प्राइस की तो अप्रॉक्सीमेटली आपको 1,68,00,000 रुपये से लेकर लगभग 1,92,00,000 रुपये तक के अपार्टमेंट देखने को मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, मूविंग फॉरवर्ड इन दिस वीडियो, बीइंग एज ए कंसल्टेंट इन माय ओपिनियन, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये इन्वेस्टर्स एंड एंड यूजर दोनों ही पर्सन्स के लिए आने वाले टाइम पे काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। एंड द रीज़न बीइंग, फर्स्ट रीज़न इज दिस, क्योंकि रिसेंटली गवर्नमेंट ने जो DDGY की जो पॉलिसी है, जो छोटे प्लॉटिंग्स की या जो आपका इंडिपेंडेंट फ्लोर्स की लो राइज, वो जो पॉलिसी है वो सस्पेंड कर दी है। तो दैट मीन्स कि अब जो फर्दर है वो ये चीज़ें नहीं आएंगी, छोटे प्लॉटिंग्स भी नहीं आएंगे और आपके जो है वो छोटे प्लॉटिंग्स के अंदर में लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोर्स जो है वो नहीं आएंगे। दैट मीन्स कि जो एग्जिस्टिंग जिनके पास में भी लाइसेंस है उनके ऑब्वियसली रेट जो है वो हायर साइड पे होंगे, क्योंकि छोटे प्लॉटिंग के अंदर में ऑब्वियसली जो प्रॉपर्टी के प्राइसेस है कम होते हैं। अगर कल को मैं कहता हूँ कि कोई भी बड़े प्लॉटिंग के अंदर में लेके आएगा तो 180 गज का प्राइस डेफिनेटली डिफरेंट होगा लोअर साइड पे, और कोई 250-300 गज का फ्लोर लेके आएगा तो उसका उसी के अकॉर्डिंगली प्राइस जो है वो हायर साइड पे रहने वाला है। दूसरा क्या है रीज़न यहाँ पे, मेजर रीज़न कि अब जो प्लॉटिंग्स के अंदर में गवर्नमेंट ने जो FAR आपका रिड्यूस कर दिया, जैसे पहले 4 मंजिल का आपका परमिशन मिलती थी, अब वो 3 मंजिल की परमिशन रहेगी। दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो लोग लो राइज फ्लोर के अंदर में, मतलब प्लॉटिंग्स के अंदर में जो फ्लोर बना करके रहने वाला कॉन्सेप्ट था या फ्लोर बना के जो बेचने वाला कॉन्सेप्ट था, उसमें भी थोड़ा सा लोग अब जो है वो कंजर्वेटिव साइड पे रहेंगे कि यार मेरे को वो नहीं लेना क्योंकि वो इतना आपको ल्यूक्रेटिव शायद नहीं दिखाई देगा। दो बेसिकली रीज़न ये है, पॉलिसी कैंसिल हो गई है और आपका जो है वो FAR कम हो गया है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि नियर टू दिल्ली जिन लोगों की भी लो राइज की प्रेफरेंस होती थी, हर एक पर्सन की चॉइसेस नहीं होती, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर 1.5-2 करोड़ रुपए पर्सन कोई खर्च करता है तो उसकी अपनी खुद की सोच होती है कि यार मुझे हाई राइज रहना है, मुझे लो राइज रहना है, मुझे आपका जो है विलाज के अंदर रहना है, या वट एवर जो भी रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि पहले आपके लो राइज के ऑप्शंस थे ही नहीं। आपको अगर लो राइज चाहिए तो कोई भी ऑप्शन जो है वो आपको 37D से टूवर्ड्स आपका न्यू गुड़गांव जाओगे तो ही आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दिस इज़ द रीज़न कि अब जिन लोगों को नियर टू दिल्ली आपका ऑप्शन चलता है या चाहिए तो उन लोगों के लिए ये बेस्ट। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपके लिए फ्री है, बट हमको ये जो आपका एक लाइक है या एक सब्सक्राइब है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है। प्लस
वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। साथ ही साथ अगर आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हैं या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेकर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे मेरे नंबर 9871630442 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।